तुझे इश्क हो खुदा करे। लोग क्या कहेंगे कि अभी शादी हुई, इनके घर से तलाक की बातें आने लगी हैं। मैं ऐसे खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता, ये रिश्ता बरकरार नहीं रह सकता। बस मैं अब एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका कुछ पता नहीं चला। मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, पता नहीं उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। नहीं जाफर, वो लड़की मुझे जरूर मिलेगी, मेरा दिल गवाही देता है। सब में मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरी किस्मत किस साथ है। नहीं नहीं, कसूर मेरा है, इसी खानदान में मेरी शादी हो गई। मगर तो अभी तक जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। यकीन करें, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो नहीं है ऐसी। बस कर दो। इन लड़कियों के कहने और मर्जी पे चलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। नहीं मानती तो मनाओ ना। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है, हर किसी को नए चेहरों की तलाश है। मैं भी तुम्हारी तरह मान नहीं रही थी, लेकिन इनके जुल्म के आगे झुकना ही पड़ा। पागल मत बनो दुआ। मर जाऊंगी मगर जुनैरा की बात नहीं मानूंगी। अगर तुम वाकई यहाँ से निकलना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। सच बताओ, आज से पहले कभी अपने आप को इतना हसीन देखा है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दुआ को जुनैरा की दोस्त समझा देगी कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हें जो कहती हूँ वैसा करो। तुम पहले जुनैरा का भरोसा जीतने की कोशिश करो और कोई ऐसी हरकत मत करना कि उसे तुम पर शक हो जाए, ताकि उसे ये यकीन आ जाए कि तुम भागने की कोशिश कभी नहीं करोगी। उसके बाद तुम्हें जैसे ही कोई अच्छा सा मौका मिले मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम यहाँ से फ़रार हो जाना। इस शर्त पर दुआ उसकी बात मान लेगी और वो एक फंक्शन पर डांसिंग का ड्रेस पहने वहाँ पर चली जाएगी, ताकि जुनैहरा उसे बड़े लोगों से मिलवा सके और उसके ज़रिए वो अपने मफादात हासिल कर सके। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस फंक्शन में नौशेरवान भी आ जाएगा और वो दुआ को जब इस रूप में देखेगा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा कि आखिर ये दुआ ने क्या किया है, ये कैसे लिबास में यहाँ पर आई है और इसके साथ हुआ क्या है। नौशेरवान ये सब जानने की कोशिश करेगा। वो जब दुआ से मिलेगा और उससे पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कैसे आई हो, तो दुआ बिल्कुल अनजानों की तरह उसे कह देगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती और यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। नौशेरवान जब दुआ की ये बात सुनेगा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वह दुआ से कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकता, तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन दुआ उसके साथ जाने से इनकार कर देगी। व्यूअर्स, क्या नौशेरवान दुआ की मजबूरी समझ पाएगा या फिर उसे गलत समझ लेगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।